माशाल्लाह यहाँ दादी और आरिफा नमाज़ पढ़ रही हैं और मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपने रोज़ का काम करने, पानी गर्म करने। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स विद इल्मा। तो आज का खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है मेरी नमाज के साथ। अस्सलाम वालेकुम। ओ वालेकुम अस्सलाम, खैरियत जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसे हैं? पढ़ा है नमाज जी? आपने पढ़ ली? जी पढ़ ली। आप बताएं दिन कैसा लग रहा है आज? माशाल्लाह बढ़िया लग रहा है। नींद आ रही है? नहीं नहीं आ रही। ब्रेकफास्ट करना है? नहीं, बाद में। क्या चाहिए, पानी दूँ? नहीं, पानी नहीं पीऊँगा। गरम? हाँ गरम पी सकते। चलो गरम पानी ले लीजिए। चलो आपको को गरम पानी देते। पानी भी पी लिया है यहाँ पे, मेरा नमाज पढ़ ली मैंने, पानी पी लिया गरम। अब बारी है मेरी एक्सरसाइज की। यहाँ पे थोड़ी सी मैं बॉडी स्ट्रेचिंग करूँगी, उसके बाद आधे घंटे बाद ब्रेकफास्ट करूँगी। ये रहा मेरा सिंपल सा नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम। गेट बंद कर लीजिए। मैं जा रही हूँ शॉप पर। शॉप पर आरिफा बैठी हुई है, उसे लग रही है भूख बहुत तेज की, इसलिए मैं जा रही हूँ उसके पास। अब आपको भी दिखाती हूँ आरिफा कौन है, कैसी है। अस्सलाम वालेकुम। जी हम आ गए आरिफा। हाँ, के देखिए भूख लग रही है बहुत तेज की। तो वैसे कुछ नहीं खाया है। अल्लाह कितना मासूम चेहरा। जा जा खा ले। चलो ठीक है जा। अभी आरिफा जा चुकी है, मतलब उसको भूख लग रही थी बहुत तेज की, जैसे कि मैंने बताया था। आरिफा मेरी छोटी बहन है, मेरी छोटी सिस्टर। खिचड़ी खाई थी वो तो बहुत यम्मी थी। और अब आप सोच रहे हो खिचड़ी कैसे यम्मी होती है, तो खिचड़ी मुझे पसंद है इसलिए यम्मी थी। आरिफा नहीं आएंगी, आरिफा की जगह अम्मी आएंगी, क्योंकि अम्मी अभी काम से गई थी इसलिए वो आ नहीं पाई थी सुबह, इसलिए आरिफा आई। अभी पापा नहीं आए हैं फैक्ट्री से, तो इसलिए टाइम बहुत हो रहा है। तो हम लोग मगरिब से पहले मैं और अम्मी ही दुकान को बढ़ा देते हैं, ठीक है अम्मी? अस्सलाम वालेकुम। शॉप को बढ़ाकर आ रहे थे तो हमें रास्ते में ही मगरिब की अज़ान हो गई, तो हम फटाफट से आए और हमने आके मगरिब की नमाज़ को अदा करा। और अब देखो अब हम खाना खाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि पूरे दिन बैठे बैठे हो जाता है तो थक जाते हैं। थोड़ा सा वॉक करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने खाना नहीं खाया, ईशा की नमाज़ मतलब अज़ान भी हो गई, अब हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं उसके बाद देखते हैं, क्योंकि हमारे चाचू जी आ रहे थे रास्ते में, तो हमने सोचा चलो उनके साथ ही खाना खाते हैं। वो बाहर गए हुए थे, अब वो आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक से। अब वो भी नमाज़ को गए, हम भी नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सब साथ में डिनर। मैंने नमाज़ अदा कर दी है ईशा की, अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे। अभी तक पापा और चाचू नहीं आए हैं ईशा की नमाज़ पढ़ के, जैसे ही वो आएंगे हम लोग खाना खाएंगे। अम्मी भी अभी बाहर गई हुई हैं मामा के साथ, मामा आए हुए हैं हमारे घर पे। अब जब वो आएंगे तब हम सब साथ इंशाल्लाह खाना खाएंगे। अब लेकिन भूख बहुत तेज़ की लग रही है, पता नहीं कितनी देर में आएंगे, पर इंशाल्लाह जब भी आएंगे हम लोग खाना खाएंगे, फिर उसके बाद डिनर करेंगे। अच्छा सा डिनर में बना क्या है अभी तक ये भी नहीं पता मुझे। तो यहाँ पापा जी डिनर कर रहे हैं और मैं पापा जी से पूछ रही हूँ कि क्या बनाया खाने में बताइए। और ये चाचू कह रहा है तू भी खा ले वरना ख़त्म हो जाएगा, और मोहम्मद मुनीर अपनी शरारतें शुरू कर दी उन्होंने। ये चाचू जी लेकर आए थे काफर, एक पहाड़ी फ्रूट है ये। हम यहाँ निकल चुके हैं वॉक करने के लिए, डिनर हो गया हमारा, अब हम वॉक कर रहे हैं। अंधेरा है इसलिए हमारी शक्लें थोड़ी कम दिख रही हैं, हम अकेले नहीं है, हमारे साथ अब्बू जी भी हैं। यहाँ पर दिख रहा है पर हमारा चेहरा,
हम लोग वॉक कर रहे हैं, वॉक करते करते अपने शॉप पे जाएंगे। हम अपना फ़ोन भूलाएँ, वो लेकर आते हैं। ले लीजिए, हम पहुंच गए शॉप पर, अब हम अंदर जाके अपना फ़ोन ले लेते हैं। लाइट ऑन कर लीजिए पापा जी। मुझे मेरा फ़ोन मिल गया, मैं ऐसे ही काम करती रहती हूँ। फ़ोन पूरे घर में ढूंढ रही थी और छोड़ शॉप पर आई, और अब मैं ले आई इसको। अब हम घर चलते हैं, वॉक हो गई हमारी बस इतनी थी। जी आ गए हम अपने घर। ये नेक्स्ट डे हो गया या मैं पढ़ रही थी, उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया। सुबह के 7 बजे और यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रही हूँ, और बाकी हमारे घर पे पापा एक एक करके सबको ले जा रहे हैं वोट डालने के लिए। जब तक वो आते हैं, मतलब अम्मी को छोड़कर आते हैं, तब तक मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर। मैंने नाश्ता तो कर लिया है, लेकिन मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है, तो चाची कुछ ना कुछ लेकर आ रही है अम्मी मेरे लिए। और ये आ गए मेरे आलू चावल। अस्सलाम वालेकुम। वोट डाला है अम्मा, दिखाओ। ये हमारी दादी जी तो डाला ही वोट, और अम्मी पापा चलो वो डाल रहे हैं। चाचू जी भी आ गए वोट डालकर, दिखाओ चाचू जी वोट डाला है। हम भी वोट डाल के आ चुके हैं। हाँ माशाल्लाह, चलो अच्छी बात है, सब वोट डाला है। दादा वोट डाला है अब, दिखाओ। पहले नंबर आपका ही था क्या? अच्छा, सबका पहले, पापा सबको लेगा पहले हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह वोट डाला है पापा जी। कैसा लगा वोट डालकर? बहुत बढ़िया लगा, ये तो मानव का अधिकार है, इसे करना बहुत जरूरी। वेरी गुड। ये देखो हमारे मामा जी, मामा जी का वोट नहीं है, मामा जी वोट देगा, कोई बात नहीं। और यहाँ ये देखिए सब लोग बैठे हुए हैं अपनी अपनी पंचायत लगाकर। आरिफा को भूख लग रही थी, तो चाची ने यहाँ पे आरिफा को खाना दे दिया था ला करके। और यहाँ मोहम्मद मुनीर देखिए कैसे शरारतें कर रहे हैं। तो अभी 1 बज चुका है, 1 बजने वाला है, मतलब हमारे यहाँ जौहर की अजान होने वाली है, और हमारी दादी पहले से ही रेडी होके बैठ गई है वजू वगैरह करके। ये देखिए यहाँ पे हमारी दादी बैठ चुकी है वजू करके, और अब हम भी वजू करेंगे, उसके बाद अजान हो जाएगी, फिर नमाज अदा करेंगे इंशाल्लाह। अजान हो गई है और मैंने भी वजू कर लिया है, दादी तो नमाज़ पढ़ रही है, मैं भी नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ।